तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम खेल रहे काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव। और ये एक्चुअली ये है कि इसको मैं नाइफ कर दूँ। अरे यार नाइफ करना शी यार शिट। तो हम लोग खेल रहे हैं आज काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव एक्चुअली। और ये अरे ओके अब मैं ऑफ खरीदूंगा। तो ये डेथ मैच है और 10 मिनट का है ये मैच। तो देखते हैं अभी 10 मिनट में हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। किसी ने मारा जरूर था। ओके गया। बच गया ना वो साला बच गया। गया अब हुई ना बात। अब यार ओके ये गया। अरे यार शी। और एक्चुअली गाइस मैं इस मोमेंट में अभी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ओके कोई शी यार एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की है। मुझे पता है क्योंकि उसका रीज़न ऐसा है कि यार मैं थोड़ा पर्सनल काम में बहुत बिजी हो गया था। और मैं आपको सीधे बता दूँ तो यार देखो कैसा है कि मैं मतलब एक इवेंट मैनेज कर रहा हूँ अपने कॉलेज में और उसी की वजह से मैं थोड़ा मतलब ये यूट्यूब को अपना वक्त नहीं दे पा रहा। बट अब क्या कर सकते हैं यार क्या करूँ मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ अब। ओके ओके यार फाइनली हम लोग टॉप पे है वैसे सही बात है। आप खरीदेंगे हम लोग। अरे यार शी। ओके आप ही आगे तो कोई बात है नहीं अपनी। ओके यहाँ पे शायद कोई है नहीं उसने तो मार दिया। तो ये यार ऐसा एक मतलब ऐसी बात है कि मतलब मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं इवेंट हेड हूँ एक्चुअली। तो मुझे उस वहाँ पे रहना पड़ता है और उसी की वजह से मैं थोड़ा यूट्यूब को अपना वक्त नहीं दे पा रहा। बट क्या करे अब मैं ट्राई तो कर रहा हूँ वैसे। और अगर आपको यार माइक में आवाज आ रही है मतलब जो अभी भी हम लोग टॉप पे है शायद हम लोग जीत सके। यहाँ से आएंगे शायद से यहाँ से आएंगे अभी। अरे यार शी थोड़े के लिए बच गया साला। हम लोग यहाँ से छुप के क्यों ना जाए। ओके मैं थोड़ा सा नहीं यार उसने तो मार दिया आराम से गया गया गया। तो ये बात है थोड़ी मैं मतलब उसके लिए माफी चाहता हूँ बट अब मैं उसका गया कुछ कर भी नहीं सकता। ओके फाइनली और वापिस से आप ही खरीदते क्योंकि ऑपिंग जरा आज अच्छी हो रही है मेरे से। ओके एक बार मैं मर के अपना जो ऑडियो मतलब इन लोग का जो वॉइस है मैं उनको उसको बंद कर देता हूँ ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो और आप सिर्फ मुझे सुन सके। ये तो इसको हेडशॉट मारने में बहुत मजा आने वाला है। बट अगर अरे यार शी उसको मार के ओ कोई टॉप पे चला गया गया। ओके कोई यहाँ पे दिख तो रहा है बट अरे यार हमसे आगे चला गया यार वो गया गया। शायद से मिड से आ जाए अभी कोई। इसे रुक के गया। और एक्चुअली मैं और एक बात पे मतलब बात करना चाहूंगा कि आजकल मैंने एक देखा है कि बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है कि क्रेजी सुमित करके कि दिल्ली का प्रैंकस्टर है उसका भी यूट्यूब चैनल है और उसने मतलब एक किसिंग प्रैंक किया जिसमें उसने मतलब लड़कियों को बिना उनके इजाजत के किस किया। तो उसी की वजह से थोड़ा उसका मतलब उस पर पुलिस केस वगैरह हो रही है। तो मुझे क्या लगता है अगर मेरा ओपिनियन अगर किसी ने मांगा कि मतलब तुम्हें क्या लगता है कि ये जो हो रहा है वो सच है कि मतलब बराबर है या नहीं है। देखो कैसा है कि इसमें ना गलती सुमित की भी है और पुलिस कर रही है उसकी भी है।
प्रॉब्लम ऐसा है कि देखो इसने क्या किया इस बंदे ने, मैं आपको एक बात बता दूं, उसने फॉरेन के कल्चर को कॉपी किया, फॉरेन कल्चर नहीं एक्चुअली फॉरेन प्रैक्टिस को कॉपी किया, अरे यार फॉरेन प्रैक्टिस को कॉपी किया, बट ये बंदा एक बात भूल गया कि जो फॉरेन के प्रैक्टिस होते हैं सब प्रैंक्स मतलब पूरे रियल नहीं होते, कुछ कुछ फेक्ड होते हैं, मतलब जो होते हैं मतलब प्रैंक जिस जिन लोगों पे होते हैं उस पे उनको पता होता है कि उनको मतलब उनके ही आदमी होते हैं, ऐसे मान सकते हैं आप। तो इसको ये मतलब ये बंदा ये भूल गया था कि ऐसे किसी लड़की को हम लोग अगर आप ही सोच लो यार, मतलब कोई आप कोई मतलब जाओ रास्ते पे और उसको किस कर लो तो आपको जो वो मोलेस्टेशन ही हुआ ना एक तरह से, मतलब आप उसकी इजाजत के बिना आप कुछ कर रहे हो तो वो तो एक तरह का मोलेस्टेशन ही हो गया। तो उसपे मतलब वो जो केस लगी है वो भी सही बात है, बट मतलब जो अगर उस पर मतलब बहुत ज्यादा ही उसको पनिशमेंट मिली तो ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि देखो उसके उसके पास भी अपना यूट्यूब चैनल है और वो दिखा सकता है कि मतलब मैं प्रैंकस्टर हूँ एक्चुअली, मुझे मतलब जानबूझ के लोगों के साथ ये करता नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से वो मतलब ये इंडिया है और मेरे हिसाब से मतलब उस पर बहुत ज्यादा चार्जेस लगने वाले, क्योंकि देखो कैसा है जो आप अगर आपने वीडियो देखा हो तो आप ठीक से देखिए उस पर उसने किया क्या है कि उसने मतलब प्रैंक किया बट उसको बताया नहीं कि ये प्रैंक था, किस जिन पे मतलब जिन लड़कियों के प्रैंक किया उनको बताया नहीं कि उसने प्रैंक कर रहा है या ऐसा कुछ, और एंड में उसने माफी भी नहीं मांगी कि यार सॉरी कि प्रैंक था और तो मतलब प्रैंक था ऐसा वगैरह वगैरह। एक्चुअली मैं गेम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बीच में अटक रहा हूँ, बट क्या करें अब, तो ऐसा ही था उसने बताया नहीं। और आप ठीक से देखे तो उसने मिडल फिंगर दिखा के उसने वो भागा है, तो मेरे हिसाब से ये तो गलत बात है यार सुमित, तुमने जो किया है वो मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। मतलब अगर तुम मतलब यार प्रैंक कर रहे हो, कोई भी प्रैंक चैनल देख लो आप, ऐसा नहीं होता कि मतलब लोग प्रैंक करके, अरे यार प्रैंक करके भाग नहीं जाते पहले, मतलब उनको प्रैंक हुआ है ऐसे दिखाते भी है कभी कभी, या फिर एंड में मतलब आप देखो कि प्रैंक चैनल के एंड में देखो कि पूरा जब चैनल ये हो जाता है क्या बोलते हैं ओके बचा लिया इसने, एंड हो जाता है पूरा वीडियो, तब वो एक बार कह देते कि यार आपको प्रैंक किया गया, बट इसने ऐसा कुछ किया नहीं है बंदे ने, सीधे जाके मतलब किस करके भाग गया, और ये उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर उसने एक्चुअली उसने माफी का वीडियो भी बनाया है मुझे पता है, बट प्रॉब्लम ऐसा है कि देखो एक बार तुमने गलती कर दी और उसके बाद माफी मांग ली, बट सही बात है माफी मांगी, बट कैसा है देखो गलती भी ऐसी है कि माफी के लायक है नहीं, सच बताओ तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट इतना मतलब इतना सीरियस ऑफेंस भी नहीं लगाना चाहिए उस पे उसके ऊपर मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो आप अगर मतलब हर किसी के पास यूट्यूब चैनल है नहीं, बट जो जिनके पास है वो ये ऐसे प्रैंक्स करते हैं और कभी कभी गलती हो भी जाती है यार, ये उसको थोड़ा मॉरल नॉलेज होना चाहिए था मेरे हिसाब से, उसकी बहुत बड़ी गलती है, 80% गलती सुमित की है, बट इतना बड़ा चार्ज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके तो हम लोग पीछे हट रहे, वैसे मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा, बट ठीक है अच्छी खासी ऑपिंग भी हो गई आज हमारी। ओके कोई तो ये मुझे लगता है कि मतलब सुमित की ज्यादा गलती है इसमें, बट अब उसने गलती कर दी है उसका कुछ कर नहीं सकते, अगर उसको पनिशमेंट देनी है तो उसका यूट्यूब चैनल बैन कर दो या फिर उसको कोई नया यूट्यूब चैनल चलाने को चालू बोल दो, इतना ही हो सकता है। देखो क्योंकि इस मतलब उसके पास कम से कम ना 20 वीडियोस पहले होंगे, तो वो उसके वो दिखा के मुझे लगता है कि वो बच सकता है, बट मैंने जैसे कि कहा कि ये इंडिया है यहाँ पे कुछ भरोसा है नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो इसी कारण से मुझे थोड़ा डाउट है कि उसके मतलब उसके बाद क्या होगा मुझे एक्चुअली पता नहीं है, बहुत सारा बहुत बहुत बात का पतंगड़ नहीं बट ये हो गया, मतलब ऐसे बोल सकते कि न्यूज़ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ चैनल पे भी मतलब ऐसे दिखाएगी कि वो एक क्रिमिनल है, एक्चुअली वो क्रिमिनल नहीं, वो एक यूट्यूबर है और वो यूट्यूब पे व्यूज के लिए शायद कर रहा है, बट व्यूज के लिए मोलेज करना बहुत गलत बात है यार उसका, ये एक बहुत मतलब ये पॉइंट जो है वो बहुत गलत हो गया कि उसने किस किया वो भी बिना इजाजत के, या फिर उसको पता नहीं था कि ऐसे प्रैंक्स, अरे यार मैं उसको मार रहा था, नहीं यार अभी 35-20 है वो तो जीत जाएगा आराम से, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये वीडियो अब मैं यही एंड करूंगा क्योंकि देखो 12 सेकंड बाकी है, वैसे भी 10 मिनट का डेथ मैच होता है और अच्छी खासी आपको ऑपिंग भी दिख गई तो वीडियो भी अच्छा है और टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव मैंने कवर किया मैं मानता हूँ, बट क्या करें अब मैं इसी के साथ खेलूंगा यार, चल 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 एक किल एक किल एक किल।
ओके, तो काउंटर ट्रेडिशन पेन हमसे आगे एक ही बंदा था। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, और अगर मैंने सुमित के बारे में जो भी कमेंट्स किए उससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो गाइज आप डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को। आप मतलब आपको अगर अच्छा नहीं लगा है तो ज़रूर आप डिसलाइक कीजिए। और आज के मतलब आज की वीडियो की आपको स्नाइपिंग कैसे लगी CS:GO की, वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो गाइज़ रेगुलर फैशन में एंड करता हूँ, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपका दोस्त जस्ट आदिया, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।